मीरापुर में उपचुनाव का ऐलान होना अभी बाकी है, समय है, लेकिन सभी दोनों प्रमुख जो गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी हो और एनडीए गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपनी दावेदारी का सिलसिला तेज कर दिया है टिकट के लिए। और हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के एक युवा नेता जो कि जिला पंचायत सदस्य भी है फिलहाल और राष्ट्रीय लोकदल की युवा कह के जिला अध्यक्ष भी है, गज्जू पठान हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी भी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है मीरापुर विधानसभा सीट पे होने वाले उपचुनाव में टिकट के लिए। तो गज्जू भाई, सबसे पहले तो उपचुनाव को लेकर क्या माहौल आप मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो अमरीश भाई आपका धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। और मीरापुर के उपचुनाव को लेके हमारी पार्टी की तरफ से अभी पीछे से एक वो चलाई थी, एक मुहिम जिसमें 62-63 नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी और उन ड्यूटी में मैं भी शामिल था, मेरी भी ड्यूटी लगाई गई थी। मैं उस क्षेत्र में घूमा, घूमने के बाद जैसे ही मुझे जनता के बीच में गया, मुझे जनता का बड़ा प्यार मिला, आभार मिला। तो जनता ने मेरे पे आवंटित गांव चोरावाड़ा गांव था और चोरावाड़े गांव में जो किसान मजदूर इंटर कॉलेज है उसमें एक बहुत ही मजबूत उन क्षेत्र के और गांव वालों ने बहुत ही मजबूत प्रोग्राम करा, अच्छा स्वागत है, मुझे बहुत बढ़िया लगा वहाँ जाके, वहाँ की जनता का बहुत प्यार मिल रहा। और चुनाव की बात तो यह है कि चुनाव तो सुनो, अगर चौधरी साहब का आशीर्वाद रहा और ऊपर वाले का की दया दृष्टि रही और इस मजबूत कार्यकर्ता को टिकट हुआ तो कन्फर्म बता रहा मैं 30 से 40 हज़ार के बीच में जीत का हूँ, बिल्कुल कन्फर्म एकदम। वोट घटती जा रही है, आप 2022 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों को 1 लाख+ वोट मिली चंदन चौहान जी को, अब 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो आपकी वोट घटकर 70 हज़ार के आसपास आ गई, 30 हज़ार से भी ज़्यादा वोट आप लोगों की घट गई और आप दावा कर रहे हैं 30 से 40 हज़ार वोटों के अंतर से जीत का। मैं दावा इसलिए कर रहा क्योंकि लोकसभा के चुनाव का जो समीकरण है वो अलग हो और विधानसभा के जो चुनाव का जो समीकरण है वो अलग हो। मैं आज का जो ज़मीनी हकीकत मैं देख के आया, 8-10 दिन मैं क्षेत्र में जो घूम रहा, मैं वो ज़मीनी हकीकत से आपको अवगत करा रहा और आपके माध्यम से जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि कन्फर्म राष्ट्रीय लोकदल 30 या 40 हज़ार के बीच में वहाँ जीत का आएगी। मुस्लिम भरोसा करेंगे राष्ट्रीय लोकदल पर आप जब गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है? बिल्कुल क्यों नहीं करेगा, हम आज भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, उन लोगों का काम कर रहे, अपने समाज के बीच में जा रहे, अपने समाज के लोगों का काम कर रहे, उनकी लड़ाई लड़ रहे। और राष्ट्रीय लोकदल एक विचारधारा का नाम है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और जैन चौधरी एक विचारधारा का नाम है, विचारधारा वैसे थोड़ी बदली जा गई। गठबंधन है, एनडीए से गठबंधन है हमारा, वे हमारे बराबर के साथी हैं, सरकार में हैं तो सबको पता है कि सरकार में रह के आदमी ज़्यादा ज़्यादा काम कर देगा, ज़्यादा लोगों की लड़ाई लड़ लेगा। और तो हमारे हमारे लोगों में भी एक मैसेज है कि मैं तो मेरा तो अपना मानना है कि हम जैसे लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं वास्तविक विश्वास करके कह रहा कि मीरापुर का मेरा मुस्लिम समाज राष्ट्रीय लोकदल को पूरी मजबूती के साथ वोट करेगा। जिला पंचायत सदस्य के तौर पे आपने चुनाव जीत के राजनीति में एक तरह से पहला कदम रखा और अब दूसरी सीढ़ी आप चढ़ना चाह रहे हैं विधायक के तौर पे, लग रहा है कि भी लोगों का भरोसा, विश्वास और वोट आप हासिल कर पाओगे? सबसे पहले तो देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, मैं राष्ट्रीय लोकदल का जैन चौधरी का सिपाही हूं और जिस दिन से पार्टी में हूं मेरा धरातल पर सबसे इस ज़िले में जितने भी मजबूत नेता कार्यकर्ता हैं सबसे मजबूत मेरा काम है। 0 से लगा के जब हम 0 थे आज तो हीरो हैं, आज तक जितनी मजबूती से काम मैंने ज़मीन पर करा तो मुझे अपने नेता से टिकट मांगने का भी अधिकार है और मुझे उम्मीद भी है कि मेरा नेता मेरे पे एक बार विश्वास जता के देखे और मैं ये उम्मीद भी दिला रहा कि कन्फर्म जीत का आएंगे, कन्फर्म एकदम, नो डाउट, पूरी मजबूती के साथ, ये विश्वास है मेरा, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं हवाई नेता नहीं हूँ,
मैंने हमेशा जमीन पर रह के काम करा, और जमीन पर जो आदमी जमीन पर रह के काम करेगा वो लोगों के सुख समस्याओं से, सुख से, दुख से, हर चीज़ से वाकिफ रहे। मुझे हर चीज़ का पता है, ज्ञान है, क्योंकि मैं हमेशा मैंने ज़मीन की राजनीति करी, हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी, और आगे भी इरादा पूरा मजबूत है कि लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। इतने बड़े बड़े नेता मीरापुर विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं आपकी पार्टी के, नवाजी सालम खान साहब की भी दावेदारी है, और उनके पिताजी ने तो अमीर आलम खान साहब ने तो ये दावा भी कर दिया कि जैन चौधरी जी ने उनके नाम पे एक तरह से मोहर भी लगा दी। तो ऐसे में इतने बड़े बड़े नेताओं की जो कतार लग रही है टिकट हासिल करने के लिए, गज्जू पठान कहाँ ठहरते हैं इस कतार में? मैं इस कतार में सबसे मजबूत स्थिति में हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का नेता का वफादार आदमी हूँ। और रही बात भाई, सबको अधिकार है, वे बड़े हैं, वे भी टिकट मांग रहे मैं भी पिछले 8-10 साल से पार्टी के लिए मजबूती से काम कर रहा, तो मुझे भी अधिकार है टिकट मांगने का, मैं भी अपना टिकट मांग रहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी भाई? नेता उन्हें टिकट देगा, उन्हें लड़ावेंगे, और चौधरी साहब मेरे पर विश्वास जताएंगे तो वे लोग मुझे लड़ावेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? टिकट मांगने का सबको अधिकार है अमरीश भाई, वो तो गलती थोड़ी कर रहा है कोई। मैं देखो, आपने ही बताया कि बहुत लंबी कतार है, और उस कतार में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा। मैं वो चौधरी का मजबूत कार्यकर्ता और मजबूत सिपाही हूँ जिसने चौधरी के ऊपर पड़ने वाली लाठियाँ भी खाई। अगर ऊपर वाला ना करे, कोई ऐसा समय आवे, तो मैं एक ऐसा आदमी जो जयंत चौधरी के ऊपर, अपने नेता के ऊपर अपनी जान तक निछावर कर दूँ, तो मैं क्यों ना मांगूँ? मेरा दावा कहाँ कमज़ोर है मुझे ये बताओ मुझे आप। जमीन पे इसने 8-10 साल में मेरे से ज़्यादा किसी ने काम करा हो। मैंने पार्टी के लिए सदस्यता अभियान से लेके इतने धरने और इतने आज तक इतना काम करा है कि मेरा डाटा है, आप मेरा डाटा चेक कर सकते हो। मेरे से मजबूत किसी का डाटा हो तो चौधरी उसे टिकट दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे क्या मान रहे हैं आप मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में? आप गए भी, आपने कैंपेन भी चलाया, बड़ा प्रोग्राम भी आपने बताया कि आपने किया चोरावाला में, तो मुद्दे क्या हैं जिनका समाधान लोग चाहते हैं? देखो, जब आप ज़मीन पर जाओगे तो हर गांव के, हर जगह के अलग अलग मुद्दे हों, और उन्हीं मुद्दों को लेके गठबंधन काम कर रहा, और जब काम कर रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि वहाँ की जनता गठबंधन पे, एनडीए गठबंधन में पूरा विश्वास जताया कि राष्ट्रीय लोकदल का जो भी उम्मीदवार होगा उसे बड़ी मजबूती से जिता के भेजने का काम करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, जीत कन्फर्म है इंशाल्लाह। तो बड़ा दावा गज्जू पठान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी अगर भरोसा जताती है, जयंत चौधरी अगर भरोसा जताते हैं, उनका दावा है कि 30 से 40 हज़ार वोटों के अंतर से वो मीरापुर विधानसभा सीट को जिताकर पार्टी को देंगे। और दावा ये भी है कि जितने भी नेता कतार में लगे हुए हैं पार्टी से टिकट के लिए, उनमें वो सबसे बेहतर स्थिति में है।